हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यू। हम डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। सम हमारे पास 7 टर्म्स का भी गिवन है 49 और 17 टर्म्स का भी सम गिवन है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो हमें फर्स्ट एन टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन होता है उसे हमें नोट करना है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इट मीन्स एस 7 गिवन है हमारे पास, कितना है 49 और साथ में क्या गिवन है एस 17 289। ये दो गिवन। अब जो गिवन होता है उसी का फॉर्मूला हम एक्सपेंड करते हैं आगे। सम सम हमारे पास गिवन है तो सम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जो होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पर एस एन, तो ये एन की वैल्यू क्या होगी 7, एन की वैल्यू 7 होगी, तो इसको एक्सपेंड करते हैं हम एस 7, एन की वैल्यू 7 फुट करके फॉर्मूले के अंदर 7 अपॉन टू टू ए प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई। एस 7 गिवन है हमारे पास 49, 49 इक्वल टू 7 अपॉन टू टू ए, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6। आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है और इसमें भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा हमारे पास 8 प्लस 3 और अपॉन में क्या है 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए जो मल्टीप्लाइंग हो तो किस में आ जा रहा है डिवाइड में, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 7 ए प्लस 3D। इंटरचेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता LHS एंड RHS को, जो चीज मल्टीप्लाई में हो किस में चली जाएगी डिवाइड में, ए प्लस 3D इक्वल टू 49 अपॉन 7। 49 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 में जा 7, 7 7 जा 49, तो 7 आया। इट मीन्स ए प्लस 3D इक्वल टू 7, सेम इक्वेशन फर्स्ट। अब जो हमारे पास ये गिवन है इसको एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूला राइट करते हैं अगेन। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर जो एन की वैल्यू होगी वो 17 होगी, 17 पुट करते हैं इसमें। एस 17 इक्वल टू 17 अपॉन टू टू ए प्लस 17 माइनस वन मल्टीप्लाई। एस 17 इक्वल टू 17 अपॉन टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2a, 17 में से 1 माइनस करेंगे 16d। इसमें भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2। 2 कॉमन लेने पर अंदर के बचेगा हमारे पास a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल। अब एस 17 की वैल्यू आपको पता है 289 पुट कर सकते हो, तो हम इसको ऐसे ड्राइव कर सकते हैं 17 ए प्लस 8d इज इक्वल टू, एस 17 की वैल्यू पुट करेंगे 289। आपको पता है LHS और RHS को इंटरचेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब जो चीज मल्टीप्लाई में होती है किसमें चले जाएगी डिवाइड में, ए प्लस 8d इक्वल टू 289 अपॉन 7। 289 में 17 का डिवाइड करेंगे, 17 का डिवाइड कर सकते हो आप 289 में, का डिवाइड किया 17 बन जा 7, ये 1
तो 7 टाइम्स जाएगा ही, अगेन 17 × 7, 7 × 7 = 49, 4 कैरी, 7 × 7 + 4 बन गया कंप्लीट, 7 टाइम चले गए, ये 0 0 0, तो कितने कितना आएगा इसका 7। हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, a + 8d = 7, सेम इक्वेशन सेट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, a + 3d = 7 और a + 8d = 7। तो फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे राइट कर लेते हैं, a + 3d = 7, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, उसको हमने यही राइट कर दी। अब देखिए इसको सॉल्व करने का, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, अभी हम स्टार्टिंग पे जो चैप्टर है उसमें इक्वेशन सॉल्व करने के डिफरेंट टाइप के मेथड हम डिस्कस करेंगे। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, ए को कैंसिल करना है। देखो ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर बन है और यहाँ पर बन है, तो अपोजिट साइन कर देंगे, प्लस का क्या कर देंगे माइनस, प्लस का क्या कर देंगे माइनस और प्लस का माइनस, अपोजिट साइन। जब हमारे पास सेम मल्टीप्लाई हो और साइन सेम हो तो माइनस करेंगे, और अगर अपोजिट साइन हो, एक प्लस का और एक माइनस करो तो ऐड करते हैं, तो ध्यान रखना। आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के मेथड, अभी तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 8 में से 3 माइनस करेंगे, 8d प्लस का और ये माइनस का, तो 5d आएगा। 17 में से 7 माइनस करेंगे 10 में, जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो किस में चली जाएगी, डिवाइड में, 10 में 5 का डिवाइड करेंगे 2, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस फाइंड हो चुका है हमारे पास 2। अब जो ये d की वैल्यू 2 है, आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, फर्स्ट में या सेकेंड में। तो मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ d 2, फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, देखिए 3 × 2 = 7, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस 3 × 2 = 6 = 7, प्लस का 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 7 − 6 जाएगा 5, इट मीन्स वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म फाइंड होगी, कॉमन डिफरेंस फाइंड होगी, तो हम अब क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला राइट करेंगे, Sn = n/2, 2a + n − 1 × b, वैल्यूज पुट करेंगे, d की वैल्यू है, a की वैल्यू, इसमें पुट द वैल्यूज, Sn = n/2, 2, वैल्यू ऑफ a इज 1 + n − 1 × 2, सिंप्लीफाई करेंगे, Sn = n/2, 2, इसको आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो या फिर ऐसे राइट कर लें, कॉमन ले लेंगे हम 2, ये ज़्यादा इजी होगा हमारे पास, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे, ये आएगा n × 2, कॉमन लिए ऊपर या अपॉन में 2 एज इट इज, तो 2 कॉमन लेने पर 1 + n − 1, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो Sn = n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n². तो सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास क्या फाइंड हुई, n² दैट इज आंसर।